बिल्कुल सपना टूट गया इसकी तरह। ऐसे सपना क्या देख रही थी तू? ऋषि को अपनी मुट्ठी में रखने का? फिर तो टूटना ही था ना। बुरे सपने और बुरे लोगों के सपने कभी सच नहीं होते। मलिष्का सच में बहुत प्यार करती है ऋषि से, सच्चा प्यार। शायद इसीलिए इतनी रुकावटों के बाद भी, तुम्हारे बुरे इरादों के बाद, तुम्हारी इतनी कोशिशों के बाद भी आज ऋषि और मलिष्का की शादी हो रही है। तुम्हारे सारे सपने टुकड़े टुकड़े हो गए ना। तुमने हमसे हमारे बेटे को छीन लिया। आज वो हमसे ज्यादा, अपनी मॉम से ज्यादा तुम्हें मानता है, हमारी बात से ज्यादा तुम्हारी बात सुनता है। अब ये बात तो हमें बर्दाश्त नहीं है। हमें क्या, ये बात तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी। तुम क्या हो, कैसी हो, ये तो जग जाहिर है। सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, और हम तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ गए। अफसोस तो ये है कि तुम्हारी असलियत हमारा अपना बेटा नहीं देख पा रहा है। अरे तुम हो जो, आप मुझसे बहुत बड़ी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। माँ माना है मैंने आपको, हमेशा से माना था, और आज भी बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, जग का नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझे समझती तो मेरे लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मलिष्का और ऋषि अलग हो जाए। मैं उन्हें अलग करना ही नहीं चाहती। मैंने ऋषि को छोड़ा था जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, जबकि वो मुझे तलाक देना भी नहीं चाहता था, तब भी मैंने उसे छोड़ा था ताकि वो मलिष्का से शादी कर सके। ये बात आप अच्छे से जानती हैं। आप ये बात भी अच्छे से जानती हैं कि मैं यहाँ अपने आप नहीं आई थी। आप मुझे यहाँ लेकर आई थी, ऋषि से शादी कराकर, इस घर की बहू बनाकर, और कैसे लाई थी ये भी आप अच्छे से जानती हैं। सच सामने आने के बाद मैं यहाँ से चली गई थी और आप मुझे यहाँ वापस लेकर आई थी। अपने बेटे के लिए एक माँ की ममता मैंने समझी, पर एक औरत होने के नाते क्या आपने मुझे समझा? क्या आपने जो किया अपने बेटे के लिए, मुझे अंधेरे में रखकर, झूठ बोलकर मेरी शादी करा, वो सही था या गलत ये भी आप अच्छे से जानती हैं। लेकिन फिर भी मेरे मन में किसी के लिए कुछ गलत नहीं, और मैं ऋषि को मुट्ठी में नहीं रखती। बेजान चीजों को मुट्ठी में रखा जाता है, रिश्तों को नहीं, रिश्तों को दिल में रखा जाता है, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती कि ऋषि मलिष्का से शादी ना करके मुझसे शादी कर ले। ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। अगर तुम ऐसा सपने में नहीं सोच सकती तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना लक्ष्मी, हमें क्यों सुना रही हो? और वैसे भी ये ख्याल तो दिल में लाना भी मत कि ऋषि कभी तुमसे शादी करेगा, क्योंकि ऋषि को तुमसे शादी हम कभी करने नहीं देंगे।